हेलो स्टूडेंट कैसे हो बेटे बढ़िया जरा हंसते रहा करो बेटे हाँ खुश रहना चाहिए लाइफ में खुश रहोगे ना जितना उतना अच्छा बेटे ठीक है हाँ खुश रहिए मेहनत करिए अच्छे बनिए ठीक है ठीके? हाँ हम आपके लिए बेटे विद्या प्रकाशन मंदिर विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर लाते हैं लेकर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आते हैं जिससे कि आपकी परसेंटेज अच्छी हो आप इंप्रूव करें बेटे अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाएँ ठीक है उसी में चैप्टर है बेटे ये आपका नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का होता है रचना टेंथ क्लास मैथमेटिक्स के लिए बेटे रचनाएँ रचना है. में कंस्ट्रक्शन का होता है इसमें आपको दो क्वेश्चन लग जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे बहुत सिंपल चैप्टर है इसमें दो या तीन क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत अच्छे एक्सरसाइज भी एक है ही आपकी सिलेबस में उसमें एक तो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं और एक होता है स्पर्श रेखा खींचने का ज़्यादातर दो टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों में से एक श्योर आता है बेटे तो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटे विद्या क्वेश्चन बैंक तो आपको बताइए अच्छा क्वेश्चन बैंक है नंबर वन पे आता है इसलिए इसको ही पढ़ें मेहनत करें और जितने इसमें क्वेश्चन दिए उनको ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर में कोई सा क्वेश्चन आ जाए वही आप करके आएंगे राइट यस पहला क्वेश्चन नंबर लेते हैं बेटे हम ये कहता है कि एक ऐसे व्रत की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए और बी से होकर जाता है अब ये देखिए ये कह रहा है कि पाँच सेंटीमीटर ये हमारे पास पाँच सेंटीमीटर है वोटे और ये पॉइंट मान लीजिए ए और बी हैं आपके ठीक अब हमें क्या करना है इसका हाफ करना है ये कर दिया जी हाफ हाफ करने के बाद अब कितनी दूरी दे रखी इन्होंने हमें थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो आप क्या करिए इस ए बिंदु से थ्री पॉइंट फाइव का चाप लगा दीजिए थ्री पॉइंट फाइव का तो ये इसका मतलब आपका थ्री पॉइंट फाइव है तो ये आपकी रेडियस आ गई अब आप इस त्रिज्या को भरेंगे प्रकार में और यहाँ पे प्रकार रख कर और आप घुमा दीजिए बेटे तो ये आपका व्रत बनेगा तो हमें क्या करना है सबसे पहले क्या करेंगे पाँच सेंटीमीटर की दूरी इसका हाफ करेंगे हाफ करने के बाद इस पॉइंट से आप थ्री पॉइंट फाइव का चाप लगाएंगे इसको मिला दीजिए ये दूरी भर लीजिए यहाँ प्रकार रखें और ये दूरी भरने के बाद प्रकार को यहाँ रखकर और व्रत घुमा दीजिए बेटे तो ये आपका ए बी व्रत होगा और ये थ्री पॉइंट फाइव होगी ये तीन दशमलव पाँच ये कोई भी पॉइंट मान लीजिए तो ये आपकी रेडियस हो गई ओ ए बराबर आपके पास क्या है रेडियस है बेटे व्रत की तरह जाए जो हम इसमें बनाते हैं बेटे चित्र में जो बनाते हैं वही हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या किया हमने ए बी हमने क्या करा पाँच सेंटीमीटर ये रेखा खींची फिर इसका हाफ़ किया हाफ करने के बाद थ्री पॉइंट फाइव का चाप लगाया चाप लगाने के बाद ओ को केंद्र मानकर व्रत घुमा दिया बस ये करना था बेटे ठीक है बिल्कुल आसान है बेटे बिल्कुल आसान एक बार दोबारा समझ लीजिए सबसे पहले क्या करा हमने पाँच सेंटीमीटर की रेखा खींची इसका हाफ़ किया यहाँ से थ्री पॉइंट फाइव का चाप लगाया ये थ्री पॉइंट फाइव है आपकी यहाँ पे ओ पॉइंट आ गया आपका इसको लेकर के ये ए पॉइंट है ये बी ये दूरी भरिए आप यहाँ प्रकार की लोहे वाली नोक रखते हैं और ये यह यहाँ पेंसिल और घुमा दीजिए बेटे बस ये करना राइट बस इतना काम है बेटे ऐसे समझ लीजिए ये हमारे पास ए भी दूरी आ गई ये हाफ कर दिया ये थ्री पॉइंट फाइव ये ओ पॉइंट और ये एम बस ये करना था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका ये कहता है आपके पास 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड है सेवन पॉइंट और हमें इसके पाँच दशमलव आठ के अनुपात में विभाजित करना है ऐसे दो भागों को मापिए ए भी बराबर कितनी दे रखी है सेवन पॉइंट सिक्स तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए ये ए भी हमारे पास सेवन पॉइंट सिक्स है कितनी है ये सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर अब आप कोई भी न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए यहाँ पर कोई भी न्यून कौन बनाते हुए अब देखो ये कितना अनुपात दे रखा सात अनुपात पांच अनुपात आठ दे रखा पांच रेसो आठ है हमारे पास हर साल एक क्वेश्चन आता है बेटे रेसो वाला फाइव पॉइंट एट रेसो वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है अनुपात बदल सकता है क्वेश्चन जरूर आता है तो हम क्या करेंगे आठ और पाँच तेहरा इन दोनों को जोड़ लीजिए टोटल आया तेहरा तो इस पर तेरह निशान लगा लीजिए ए पर ए से लेकर सी तक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये हमारे पास थर्टीन आया ए थर्टीन इसको इससे मिला दीजिए अब क्या करें देखो ये पाँच है तो आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर है तो इसको ए पाँच कहते हैं बेटे ये ए तेरह है इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच दीजिए अब आपको समांतर के लिए सेटिस स्क्वायर चाहिए बेटे तो सैटिश स्क्वायर रखेंगे आप और उसको बिल्कुल इसके समांतर आप यहाँ पे रेखा खींच देंगे तो ये आपकी रेखा होगी इसके समांतर और बस जो आप बनाते हैं यही आपका पाँच और ये सात यानी कि पाँच अनुपात सात के अनुपात में बढ़े ठीक है ये करना है और जो आप करें वो ही लिखें देखो बराबर बराबर भाग किए ए तेहरा आपका पॉइंट कौन सा है ए फाइव कहाँ पर है ए पी और बी पी का रेखाखंड का अनुपात पाँच अनुपात आठ है ए और ये पी पॉइंट मान लीजिए ए पी और बी पी ठीक है बस ये करना था इसमें बेटे एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल आता है बेटे आपको ऐसा नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका ये भी ऐसा ही है ये कह रहा है एक साठ डिग्री का कौन है और एक है उसका तीस डिग्री का एंगल है और ए भी जो हमारे पास है बेटे आठ सेंटीमीटर है और ए भी डैश और ए भी बराबर छ तो सबसे पहले आपको क्या करना है सिक्स सेंटीमीटर की रेखा खींचिए ए बी यह है हमारे पास ए बी सिक्स सेंटीमीटर उसके बाद सिक्स बी पर बनाइए एंगल कितने डिग्री का सिक्सटी डिग्री का बेटे और ए पर कितने डिग्री है थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री का कौन बनाती हुई रेखा खींच दीजिए आप उसके बाद आपको क्या करना है इसको इससे मिलाइए ठीक अब इसको आठ सेंटीमीटर करना है पूरा हमें तो ये आठ सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है ये आठ सेंटीमीटर की रेखा हो गई आपकी अब इसके समांतर एक रेखा खींचनी है बेटे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए आप जब आप इसके समांतर खींचेंगे बेटे तो ये होगी आप सैटीसी स्क्वायर चलाएंगे इसके समांतर तो यहाँ आ आगे तो ये आपका आ गया बी ये आ गया बी डैश ये आ गया सी ये आ गया सी डैश मान लीजिए ये कितने की छः सेंटीमीटर की ये कितने की आठ सेंटीमीटर की तो जो आप इसमें बनाते हैं वही आपको नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर लिखना होता है राइट बस ये काम है बेटे आपका नेक्स्ट है ये बेटे आपका छह सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत खींचिए तो सबसे पहले आप छह सेंटीमीटर का एक व्रत खींचिए छह सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत चलो जी अब उसके बाद कहता है ये केंद्र से दस सेंटीमीटर की दूरी पर ये केंद्र और ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये केंद्र है इसका आपका ओ केंद्र मान लीजिए बेटे ये ओ केंद्र हो गया ये बिंदु पी हो गया कोई आपका अब क्या करना है इसका हाफ करना है बेटे जो 10 सेंटीमीटर आपने खींची है इसका हाफ कर लीजिए हाफ करने के बाद अब आपको क्या करना है ये त्रिज्या लेंगे आप यहाँ से ले कर यहाँ तक कहाँ तक एम तक ओ एम ओ एम को आप रेडियस मान लीजिए अब इसको केंद्र मानकर एक व्रत खींच दीजिए आप जो ए और पी से होकर जाता हो अब ये यहां पे और यहां पर काटता है इसको कहते हैं टी वन टी टू पॉइंट क्या कहते हैं टी वन और ये पॉइंट है टी टू अब इसको आप क्या करो इससे मिला दीजिए पी पॉइंट से ये रहा आपका पी पॉइंट तो ये आपके बेटे टेंजेंट हैं दो ये ने कहते हैं स्पर्शी क्या कहते हैं ये स्पर्शी ये स्पर्शी आ गई आपकी दो यही करना था हमें बस अब ये क्या है इस बिंदु से इसे मिला दीजिए इसको इससे मिला दीजिए बस ये अब आपने क्या करा सबसे पहले एक हमने छः सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत खींचा ये सिक्स सेंटीमीटर की रेडियस है बेटे सबसे पहले आपने दोबारा समझ लीजिए एक बार सबसे पहले क्या किया छः सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत खींचा फिर हमने इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक ये ओ ये पी पॉइंट इसका हाफ़ किया हाफ करने के बाद ये पॉइंट आया इसको रेडियस मान के आपने एक व्रत घुमाया इस व्रत को हमने इस पॉइंट को T1 और ये पॉइंट है आपका T2, T2 आ गया इसको हमने P पॉइंट से मिलाया इसको P पॉइंट से मिलाया ये आपकी बटे स्पर्शी हैं दो बस यही आपको करना था कभी कभी वो ये एंगल दे देते हैं बेटे क्वेश्चन में बस नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका ये भी अनुपात वाला क्वेश्चन है ये पांच और तीन अनुपात दे रखा है पांच और तीन अनुपात का मतलब क्या होगा पांच पांच और तीन आठ आठ सेंटीमीटर की रेखा यानी कि ये हमारे पास आठ सेंटीमीटर होगी सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए उसके बाद कोई भी न्यूनकोन बनाती हुई रेखा चाहे ऊपर चाहे नीचे खींच लीजिए ये न्यूनकोन बनाती हुई रेखा खींच ली अब कितने हैं भाग है हमारे पास पांच भाग ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव इस फाइव को इससे मिला दीजिए बेटे ये मिला दिया हमने अब क्या करिए दूसरा हमारे पास कितना अनुपात है तीन एक दो तीन तो तीसरे पर इसके समानुपात में इसके अनुपात में यानी कि इसके समांतर ये दोनों रेखा आपस में पैरल होती हैं, समांतर होते हैं समांतर खींच लिया अब हमें क्या करना है बेटे इसके समांतर ये हुआ तो ये हमारे पास दो पॉइंट आए कितने पॉइंट है सी और सी डैश टू पॉइंट है बेटे ये सी और ये कितना सी डैश अब आपको क्या करना है बेटे इस सी से ए को मिलाना है ये हमारे पास कोई पॉइंट पहले होता है ए इसको सी से अब इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे जो हमारे पास इस पॉइंट को काटेगी ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं बेटे बस इसमें भी यही काम है आपका पाँच सेंटीमीटर पाँच और तीन दो भागों में बांटा ए बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी थ्री ये रहा आपके पास ये और ये दोनों समांतर हैं ये और ये दोनों समांतर हैं समांतर रेखा है इनका अनुपात पूछ रहा है अनुपात पाँच और तीन है आपका तो पाँच और तीन के अनुपात में रहे ही रहेगा बेटे यही करना एक अनुपात वाला क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा बेटे बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको अनुपात वाला जरूर आता है हर साल आता है ध्यान रखें बेटे ठीक है हाँ ये आपके बेटे चैप्टर में इसमें क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट कुछ राइट हाँ बेटे थैंक यू बेटे